हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुरानी दिल्ली के फूड्स एंड ब्लॉग। और मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो वेज और नॉन वेज जो ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको दोनों चीज़ें पसंद होती हैं, जिनको वेज भी पसंद है या नॉन वेज भी पसंद है। तो मैं आज इन वेज और नॉन वेज थाली लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैंने चिकन के कबाब बनाए हैं। ये चिकन के शामी कबाब हैं, ये मसाला राइस है, रोटी है, ये दाल है माश की दाल, इसे मुगलई दाल भी कहा जाता है, और बूंदी रायता है। इसकी प्रिपरेशन मैंने जिस तरह की है, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो मैंने आगे बताए हैं, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और गाइज, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने में इतना प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, मैं बहुत खुश हूँ आपके प्यार से। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला दे रहूँगी, तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए मेरी रेसिपीज़ को। चलिए, इसकी तैयारी हम बताते हैं। चलिए गाइस, अब हम तैयार करते हैं अपनी वेज और नॉन वेज वाली स्पेशल थाली। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है, ये चिकन मैंने 100 ग्राम ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चने की दाल, जो मैंने कम से कम 3-4 घंटे पहले भिगो दी थी। ये चने की दाल हम इसमें डाल देंगे आधा कप। अब इसमें जो इंग्रीडियंट्स हम डालेंगे, साबुत धनिया, तेज पत्ता, लहसुन, अदरक, प्याज, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जीरा और साबुत मिर्चें हैं 2 जो मैंने ले रखी हैं। और इंग्रीडियंट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इन सब हमको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। ये दाल हमें कम से कम 90% गलानी है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। देखिए, इसके अंदर बाउल आ गया है अच्छे से। हम इसको और अच्छे से चला देते हैं। अब हम इसको कम से कम 3 सीटियाँ लगा लेंगे। चने की दाल हमें सिर्फ 80% गलानी है, 100% नहीं, क्योंकि अगर आप 100% गलाओगे तो वो कबाब जो है थोड़े पतले बनेंगे, तलने में परेशानी होगी। तो 80% गला लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, हम जब तक अपने मसाला राइस की प्रिपरेशन करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं मसाला राइस के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने वेजीज ले लिए, जो भी वेजीज आपके पास हो। मैंने मटर लिए हैं, बीन्स लिए हैं, आलू लिए हैं, थोड़े से मैंने सोया चंक्स ले लिए हैं यहाँ पर, जो पानी में भिगो दिए थोड़ी देर पहले। थोड़ी सी मेरे पास चने की दाल बची हुई थी कबाबों में से, वो भी ले लिए मैंने। और मैंने ये मसाला लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चे, सूखे मसालों में धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च। गरम मसालों में मैंने लिया है जीरा, 2 लौंगे, 5 काली मिर्चे और मैंने लिया है जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा। और सो मैंने ऑयल ले लिया है। चलिए, अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और अपने गरम मसालों को। इसको हम सॉटे कर लेंगे 2 मिनट के लिए। हमारी प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। थोड़ी हम मिक्स कर लेंगे। दो मिनट मिक्स करने के बाद अपने सूखे मसाले, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। ये मसाला राइस है तो आपको हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ये येलो कलर आएगा जितना उतना अच्छे रहेंगे। और यहीं पर हम ऐड कर देंगे अपने वेजिटेबल्स। ये सारे वेजिटेबल ऐड कर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले को हम अपने आप भूनने देंगे। चलिए, जब तक कबाब की तैयारी करते हैं। देखिए, कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इसमें 4 सीटियाँ ली थी और दाल देखी 90% मैंने गलाई है। और मैंने इसको ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल लिया था, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक जार में डालकर, एक जार ले लेंगे, उस जार में डालकर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, उसको अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सिल पर भी पीस सकते हैं, अगर आपके पास है तो उस पर और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं इसी पर पीस लेती हूँ। चलिए, इसको पीस कर दिखाते हैं आपको। ये मैंने सारा कबाबों का मिक्सचर पीस लिया है अपने जार में डालकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और अनियन। और हम मैंने 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर दें सारी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, मैंने सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका सॉल्ट भी चख लिया है, बिल्कुल ठीक है, मिर्च भी ठीक है, आप भी चख लीजिएगा। और हल्का सा पानी लगाएं हाथ पे और इसका एक गोला लें और इस तरीके से
जिस शेप में आप चाहें, हार्ट शेप में चाहें तो हार्ट में बना लीजिए, और इस तरीके से चाहें तो आप इस तरीके से कबाब बना लीजिए। देखिए ऐसे ही आप सारे कबाब बना लीजिए। ये देखिए मैंने सारे कबाब बना लिए। अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। आप 10 मिनट के लिए रख दें, काफ़ी 10 मिनट के लिए रख देना, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारे कबाब सेट हो रहे हैं और हमारा मसाला, राइस का मसाला बन रहा है, तैयार हो रहा है, तब तक हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी करते हैं। यह है माश की दाल। इसे माश की दाल भी कहा जाता है, उड़द की वाइट वाली भी कहा जाता है, धुली भी कहा जाता है, और इसे मुगलई दाल भी कहते हैं लखनऊ वगैरह में। तो हम इसको बना रहे हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं। ये मैंने 1 कप दाल ली थी, इसको 2 घंटे भिगो दिया है, वॉश करके अच्छे से कुकर में डाल दिया है। अब यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अदरक के थोड़े से पेस्ट, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे वाटर। हम इसको ज़्यादा रसे वाली नहीं बनती है, दाल ज़्यादा रसे वाली नहीं बनती है, तो हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे कि हमारी दाल गल जाए, थोड़ा हल्का सा रसा रहे बस। तो हमने इसे उतना वाटर डाल दिया है, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसको 80 या 90% तक गला लेंगे पहले। ये देखिए गाइस, मैंने 2 सीटी लेने के बाद इसको हल्की आंच पर खोल के पकाया है। ये देखिए ये दाल अच्छे से गल गई है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के अंदर 5 मिनट के अंदर दम और कर लेंगे, जो हल्का सा कन है वो भी हो जाएगा। तब तक हम इसके तलके की तैयारी कर लेते हैं। देखिए दाल ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से गल भी गया है और बिल्कुल रेडी हो गया है। नमक मैंने चख लिया है थोड़ा सा। देखिए एक पैन ले लिया है मैंने तड़के के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल, आप 1/2 कप ऑयल डाल लीजिए। तड़के के लिए जो सामान लिया है मैंने वो इस तरह से है। मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, ये मैंने साबुत मिर्च ली है लाल, 3 जीरा और कड़ी पत्ता। इससे हम अपना तड़का तैयार करते हैं। इस तड़के में हम ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे अपना अनियन और अपना लहसुन। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन और प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। अनियन ने अपना कलर हल्का सा चेंज कर दिया है, तो हम ये बाकी सामान भी इसमें डाल देंगे। अब आप इस तड़के को थोड़ा अच्छे से ब्राउन कर लीजिए, प्याज वगैरह को तो रेडी कर लीजिए। देखिए तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको डाल देते हैं दाल में। देखिए तड़का मैंने डाल दिया है, कितनी अच्छी लग रही है हमारी दाल। अब ये रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड में कर देते हैं और अपनी राइस तैयार करते हैं। ये मसाला राइस के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पर अपनी सोया चंक्स, ये डाल देते हैं यहाँ पर। हम इसमें बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। इसमें देखिए गर्म हो गया पानी, अब हम अपने चावल डाल देते हैं। ये मैंने 2 कप चावल भिगोए थे, अपने छोटे वाले चावल लेंगे, आप जो चाहे ले सकते हैं। इसमें सारे राइस ऐड कर दीजिए। जितना वाटर आपके राइस के लिए अवेलेबल है उतना वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इसका सॉल्ट चख लीजिएगा और इसको 3 सीटी लगा लेते हैं। जब तक हमारे राइस रेडी हो रहे हैं, हम अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं, जो हमने फ्रिज में रखे थे सेट होने की नहीं है। हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, उसको गर्म कर लिया है और हम अपने कबाब इसके अंदर रख देते हैं। आपको जितनी नीड है उतने आप फ्राई कर लें, बाकी आप रख दें। उसको 1 दिन तक आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं दोनों साइड से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको, अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ, आप हल्के से इसको टर्न कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है वन साइड से। ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कराया हुआ है मैंने, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से आप इसको 5 मिनट तक दूसरी साइड से भी पका लीजिए। देखिए राइस भी हमारे 3 सीटी आ गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और कबाब भी हमारे लगभग फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं सबकी। देखिए गाइस, ये थाली हमने रेडी कर ली है। इसके अंदर हमने सारे अपनी रेसिपीज जो बनाई थी, जितनी डिशेस बनाई थी वो सब रख दी हैं। कबाब हमने रख दिए हैं, ये हमने अपने मसाले वाले चावल रख दिए हैं, ये दाल रख दी है, रायता, और हमने रोटी बनाई थी वो भी रख दी है।
ये वेज और नॉन वेज स्पेशल थाली है, जिनको नॉन वेज भी पसंद है और वेज भी, तो ये उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल बनाई है। तो आप इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है।